रुखाताल में जिला विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की संयुक्त टीम अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण करने पहुंची है। लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने सूखाताल में एक टीन शेड को ध्वस्त कर दिया। वहीं जैसे ही टीम आगे बढ़ने लगी तो लोग सड़कों पर बैठकर टीम को आके नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान कई महिलाएं भावुक और रोती नजर आईं। तो आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला विकास प्राधिकरण और नगर पालिका द्वारा 44 अवैध मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसे ध्वस्त किया जाना है। इसके अलावा कुछ लोग अपने दस्तावेज लेकर उच्च न्यायालय याचिका दायर की है, जिसके बाद से उन्हें उनको इससे ऑर्डर मिल चुके हैं। बाकी लोगों के मकान को ध्वस्त करने के लिए प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन विरोध के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले पर स्थानीय विधायक सरिता आर्य बोली, ये क्षेत्र पहले डूब क्षेत्र में आता था, लेकिन सरकार द्वारा वहां पर झील विस्थापित की जा रही है। अब ये क्षेत्र डूब क्षेत्र में नहीं आता है और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ, इसके लिए उच्च न्यायालय जाएंगे। सरकार भी उच्च न्यायालय में इनकी पैरवी करेगी। उन्होंने कहा कि किसी के भी आशियाने को तोड़ने नहीं दिए जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनता के साथ है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। कई बार इनको टाइम दिया जा चुका है। सूखाताल में जो चिन्हित भवन है 44, उसमें से कुछ लोग माननीय न्यायालय में गए हुए हैं, लेकिन बाकी जो चिन्हित स्थान को तोड़ने के लिए आए थे। ये नंबर एक की जो बिल्डिंग थी उसको हमने आधा तोड़ दिया है, उसको पूरा तोड़ने के लिए दूसरी तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने हमारा रास्ता रोका और बार बार इस बात का निवेदन करते रहे कि अभी उन्होंने सामान भी खरीद नहीं किया, उनके सामान में नुकसान हो जाएंगे। इन सारी परिस्थितियों को लाइन ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, उसको देखते हुए कुछ शांतियाँ बनी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए। मैं अपनी जनता के साथ हूँ और माननीय हमारे सीएम साहब भी हमारी जनता के साथ। क्या माना जाएगी जो भी इसमें एसएलपी में जाएगी दीदी? नहीं, एसएलपी में देखिए, पहले तो माननीय हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जिनके इस समय अब इन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी जाना है, और हम लोग सरकार के द्वारा भी इनके पहलू को वहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करवा